जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे महर्षि कश्यप जी और उनके कुल के बारे में। दोस्तों कश्यप कुल की कई शाखाएं हैं, पिप्पल, नीम, कदम, करदम, केम, केन, बड़, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और नागवंशी। ये सभी उपनाम गोत्र हिंदू मोची समाज में पाए जाते हैं। ये सभी मरीचिवंशी हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं प्रमुख शाखाओं के बारे में। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मरीचि के दूसरे पुत्र ऋषि अत्रि थे, जिनसे अत्रि वंश चला। ऋषि मरीचि पहले मन्वंतर के पहले सप्तऋषियों की सूची के पहले ऋषि हैं। ये दक्ष के दामाद और शंकर के साधु थे। इनकी पत्नी दक्ष कन्या संभूति थी। इनकी दो और पत्नियां थी, कला और ऊर्णा। संभवतः ऊर्णा को ही धर्मव्रता भी कहा जाता है। दक्ष के यज्ञ में मरीचि ने भी शंकर का अपमान किया था। इस पर शंकर ने इन्हें भस्म कर डाला था। इन्होंने ही भृगु को दंड नीति की शिक्षा दी है। ये सुमेरु के एक शिखर पर निवास करते हैं और महाभारत में इन्हें चित्र शिखंडी कहा गया है। इन्हीं के पुत्र थे कश्यप ऋषि। दोस्तों मरीचि ने कला नाम की स्त्री से विवाह किया और उनसे उन्हें कश्यप नामक एक पुत्र मिला। कश्यप की माता कला करदम ऋषि की पुत्री और ऋषि कपिल देव की बहन थी। मान्यता के अनुसार कश्यप को ही अरिष्टनेमी के नाम से भी जाना जाता है। सुर और असुरों के मूल पुरुष ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था। आज भी सुर और असुरों की जाति भारतवर्ष में विद्यमान है। दोस्तों महर्षि कश्यप का विवाह दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ। श्रीमद् भागवत के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं में से 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, 13 कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप के साथ, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ और 2 कन्याओं का विवाह भूत के साथ, 2 कन्याओं का विवाह अंगीरा के साथ, 2 कन्याओं का विवाह कृशाश्व के साथ, शेष 4 कन्याओं विनीता, कद्रु, पतंगी और यामिनी का विवाह ताक्षरीय कश्यप के साथ किया। इस प्रकार महर्षि कश्यप की अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनीता, कद्रु, पतंगी और यामिनी आदि पत्नियां बनी। पुराणों के अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया। माना जाता है कि चाक्षुप मन्वंतर काल में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ गणों ने 12 आदित्यों के रूप में जन्म लिया, जो कि इस प्रकार थे: विवस्वान, अरेमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम, जो भगवान वामन थे। ऋषि कश्यप के पुत्र विश्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। अदिति के पुत्र ही देव और सुर कहलाए। इनके राजा इंद्र थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे: इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, गृष्ट, नरिशंत, करुष, महाबली, सर्याति और प्रिषद। राजा इक्ष्वाकु के कुल में जैन और हिंदू धर्म के महान तीर्थकर, भगवान, राजा, साधु महात्मा और सृजनकारों का जन्म हुआ है। वैवस्वत मनु से ही सूर्य वंश की स्थापना हुई। मनु के 10 पुत्रों का वंश अलग अलग चला और सभी की रोचक जीवन गाथाएं हैं। मनु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त किया और वे स्वयं तप के लिए वन को चले गए। इक्ष्वाकु ने अपना अलग राज्य बसाया। भगवान राम इसी कुल में जन्मे थे। ये मनु के दूसरे पुत्र थे और इनके 3 पुत्र हुए: कुक्षी, निमि और दंडक। इक्ष्वाकु के प्रथम पुत्र कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए और मानधाता के सुनसुधि का जन्म हुआ। सुनसुधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजीत। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। कुक्षी के कुल में भरत से आगे चलकर
सगर, भागीरथ, रघु, अम्बरीश, ययाति, नाभाग, दशरथ और भगवान राम हुए। उक्त सभी ने अयोध्या पर राज्य किया। पहले अयोध्या भारतवर्ष की राजधानी हुआ करती थी, बाद में हस्तिनापुर हो गई। इक्ष्वाकु के दूसरे पुत्र निमि मिथिला के राजा थे। इसी इक्ष्वाकु वंश में बहुत आगे चलकर राजा जनक हुए। राजा निमि के गुरु थे ऋषि वशिष्ठ। निमि जैन धर्म के 21वें तीर्थकार बने। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र और सिंघिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन तीन संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ, जो कि मरुदन्य कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहनलाद। दिति के पुत्र ही दैत्य और असुर कहलाए। इनके काल में महान विरोचन और राजा बलि हुए। वर्तमान में अधिकतर दलित लोग खुद को दिति के कुल का मानते हैं, जो कि पूर्णतः सही नहीं है। सभी के अलग अलग कुल हैं। दोस्तों, ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हैग्रीव, विभावशु, अरुण, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वर्भानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और विप्रचिति आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्ठा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यातुधान यानी के राक्षस उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोध वशा नामक रानी से सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमि ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। कद्रु की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे, अनंत यानी के शेष नाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। इन्हीं से नागवंश की स्थापना हुई। ताक्षर्य की पत्नी विनीता के गर्भ से गरुड़ और वरुण यानी के सूर्य के सारथी पैदा हुए। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शल्भों यानी के पतंगों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। इनसे पलोम और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सागर, जिसे कैप्सियन सागर भी कहते हैं, और कश्मीर का प्राचीन नाम था। समूचे कश्मीर पर ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का ही शासन था। कश्यप ऋषि का इतिहास प्राचीन माना जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास भगवान शिव के गणों की सत्ता थी। उक्त इलाके में ही दक्ष राजाओं का साम्राज्य भी था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया महर्षि कश्यप और उनके वंश के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।